खबर आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर से है, जहां पर खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लग गई। इस वजह से किचन में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। बता दें कि मुबारकपुर के मोहल्ला पूरा दीवान निवासी मोहम्मद कामिल के घर पर गुरुवार को करीब 11:30 पर किचन में महिला खाना बना रही थी, उसी समय आग लग गई और देखते ही देखते आग तेजी से फैल गई, जिससे घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग बुझाने के लिए परिवार के लोगों ने शोर मचाया तो आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन किसी भी तरह से लोग आग पर काबू नहीं पा रहे थे। वहीं सूचना पाकर स्थानीय गैस एजेंसी संचालक देवेंद्र कुमार ने पहुंचकर कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा आग पर किसी तरह से काबू पाया, लेकिन घर में रखा अनाज, कपड़ा, मोबाइल, फ्रिज समेत अन्य सामान जलकर नष्ट हो चुके थे। वहीं गैस एजेंसी के संचालक देवेंद्र कुमार की माने तो सिलेंडर में लगा पाइप लोकल इस्तेमाल कर रहे थे और गर्मी में वह पाइप कंट्रोल नहीं कर पाती, जिससे इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। साथ सिलेंडर में आग लगी थी घर के में, खाना बन रहा था। हाँ, उस समय खाना बनाने के लिए मेरी भाभी गई, उसी समय ये हुआ। कितने बजे घटना हुई? 11:30 के करीब। क्या क्या नुकसान हुआ? साफ फ्रिज थी वो जल गया, घर के अंदर जितना आटा था, दाल था, चावल था और जितना भी बर्तन सर्तन था और मोबाइल थी, सब जल गई थी। तो आपको काबू कैसे पाया गया? पहले तो पूरे गांव मोहल्ले वालों ने मिट्टी डाला, उसके बाद बालू डाला, उसके बाद भी कंट्रोल नहीं हुआ। उसके बाद कोई शख्स ने जो है एजेंसी में फ़ोन किया, उसी दौरान जो है आए वो लोग जो है बुधवार। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।